तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हम कैसे सिलआउट में 2 पॉइंट ट्रैक निकाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखी है जिसमें आप देख पाएंगे पॉइंट ट्रैक कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट सबके बारे में बता रखा है। लेकिन मेरे पास इस वीडियो में कमेंट आया था किसी एक वीडियो में, उन्होंने बोला था कि 2 पॉइंट ट्रैक के बारे में बताइए। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ट्रैक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमें पॉइंट ट्रैक में जाना है और पॉइंट ट्रैक में जाने के बाद आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे और इसे आप एक जगह रख दीजिए। तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपके फोटेज में मतलब इस बॉक्स में कुछ और चीज़ नहीं है, तो आप इस हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ और इसको भी मैं दूसरी साइड ले लेता हूँ। तो ये 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, देखो गाइस, स्केल हो सकता है, रोटेशन हो सकता है और मोशन तो ज़रूर होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हो सकती हैं कि स्केल, रोटेशन और मोशन। अगर मान लीजिए आपका 2 पॉइंट में ये एक पॉइंट इधर रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट उधर चले जाता है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फोटेज स्केल हुई है। अगर आपका रोटेशन हो रहा है तो एक पॉइंट इधर रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट उधर चले जाता है किसी मतलब और एरिया में, तो रोटेशन भी हो रही है। तो यही डिफरेंट होता है। अब मैंने दोनों पकड़ा और यहाँ से मैंने इसका ट्रैक मार दिया। लेकिन इसमें मैं अब तक ट्रैक कर रहा है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पॉइंट ट्रैक में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ब्लर, शार्पन। आप इन चीज़ों को छेड़ के देखेंगे तो आपका ट्रैक उतना ज़्यादा अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि देखिए गाइस, क्या होता है कि कई सारे शॉट में काफ़ी ज़्यादा शार्पन होती है, तो यहाँ से हम ब्लर बढ़ा सकते हैं ताकि वो शॉट पर अच्छे ट्रैक निकल पाए। अगर आपका शॉट शार्प तो आप शार्प कर दीजिए, सॉरी ब्लर कर दीजिए। अगर आपका शॉट ब्लर है तो आप इसे शार्प भी कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे आपको यहाँ पर टूल देखने को मिल जाएंगे, आप इसे काफ़ी आसानी से ट्रैक निकाल सकते हैं। अब ये ट्रैक तो निकल गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रैक निकलने के बाद हम इसे एक्टिवेट कैसे करें अपनी लेयर पे, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको जानना है पॉइंट ट्रैक फुल नॉलेज तरीके से, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से, मैं आपको सारों पॉइंट ट्रैक के बारे में पता चल जाएगा, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पॉइंट ट्रैक के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका शॉट कभी बीच में ब्लैक हो जाता है या फिर आपका ट्रैक आगे नहीं निकल पा रहा है, तो आप एक बार कॉम को सेव करिए, कंट्रोल आप एस दबा दीजिए, नहीं तो आप वर्जन भी बढ़ा सकते हैं और दोबारा से ओपन कर लीजिए। अब देखिए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मेरा ट्रैक यहाँ से नहीं निकल रहा था, तो मैंने क्या करा, बंद करा अपना सॉफ्टवेयर और दोबारा से खोल लिया। अब देखिए, दोबारा से खोलने का क्या फ़ायदा हुआ, दोबारा से ट्रैक यहाँ से निकल रहा है। तो इस वीडियो में एक चीज़ और जानेंगे साथ साथ कि अगर आपका ऐसा सा प्रॉब्लम होता है कि आपका सॉल्वआउट सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा है, तो आप उसे एक बार बंद कर लीजिए अपनी तरफ से खोल और दोबारा से उसे काम करिए, तो आपका वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर ऐसा फिर से होता है तो आप दोबारा से ऐसा कर लीजिए। मेरे साथ ऐसा काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे पास फोटेज आती है 4K 4K, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को काम करना पड़ता है डिटेल में, तो इसलिए बार बार वो शॉट क्रैश होता है और कॉम भी काफ़ी ज़्यादा हैंग हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले से अपनी तरफ से खुद क्रैश कर लेता हूँ, मतलब बंद कर लेता हूँ और सेव करके दोबारा से खोल देता हूँ। तो इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर को मौका ही नहीं मिलता और मैं खुद अपनी तरफ से बंद चालू करके क्रैश करते रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं स्मूथनेस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पॉइंट बहुत ऊपर नीचे है, तो आप स्मूथ ऊपर नीचे बढ़ लो, आगे पीछे बढ़ा के थोड़ा सा पॉइंट को स्मूथ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पॉइंट है थोड़ा बहुत ज़्यादा जिटर मार रहा है, आपको लग रहा है खुद ही क्या है या जिटर मार रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे एक्टिवेट कैसे करें, तो मैंने एक लेयर ले ली है, तो यहाँ पर मैं पॉली बनाकर आपको दिखा देता हूँ पहले कि पॉली हमारी ट्रैक पर काम कर रही है नहीं कर रही है। अभी ये लेयर में हमने ट्रैक डाला नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम ट्रैक को डालने वाले हैं। पहले हम सिंपल से एक रफली से पॉली बना लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ट्रैक पर काम कर रही है नहीं कर रही है। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐसे क्लोज करता हूँ पॉली को और प्ले करते हैं एक बार हम पॉली को, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाली है कि हमारी पॉली ट्रैक पर काम करेगी ही नहीं अभी। तो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए पॉली तो वहीं की वहीं रह गई जहाँ पर थी शुरू से लेकर। लेकिन इसे हम ठीक कैसे करें, तो आप प्लेयर को बंद करिए और यहाँ से आप इसे तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए अप्लाई का है, तो अप्लाई का आप क्लिक करेंगे पॉइंट ट्रैक में और इसे ओके कर दीजिए रोटेशन और स्केल चालू करके। तो इससे क्या होगा, आपका रोटेशन स्केल सब चालू हो जाएगा और अब आपकी पॉली ट्रैक पर काम करेगी। लेकिन ये थोड़ा उधर जाके, तो आप उधर मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में जा चुके, तो आप इसे अपना डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आप इस पॉली को ही उठा के जहाँ पर आपने की दे रखी है वहीं पर आप इसे दोबारा से रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रख दिया हूँ और ऑल्ट से यहाँ से इसे नीचे कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सेट कर दी मैंने पॉली, अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट ट्रैक का कितना ज़्यादा फायदा हुआ कि हमारा सिंपल रोटो निकल गया। अगर मॉकर ट्रैक से कोई चीज़ नहीं निकल पाई तो हम 2 पॉइंट ट्रैक से निकालते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम 2 पॉइंट ट्रैक कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम उसमें रोटो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं लेयर पे। एक बार दोबारा से करके बता देता हूँ, जब आप देखते रहिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी और वहाँ से आप काफ़ी आसानी से BFX के बारे में जान पाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि एक तो मैं हर एक दिन छोड़ के वीडियो डालता हूँ और आपको वैसे भी हाल में चाहे मेरे पास कितना भी काम हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो मिले हर एक दिन नहीं, जिससे आप थोड़ा बहुत आगे पीछे सीख पाएँ। तो गाइस इस तरीके का आप काफ़ी सारी वीडियोज आपको देखनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, आपका कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे, मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँगा, तो ऐसे आप भी सीख पाएंगे और आपके साथ साथ और लोग भी सीख पाएंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी दिल की बात बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब करते रहें। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर। ओ गाइस, जय हिंद।